और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनके साथ यूपी के परिवहन मंत्री मौजूद हैं। अजीत, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कानपुर में सड़क दुर्घटना हुई, बड़ा हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोगों ने दुख जताया और खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। क्योंकि ट्रैक्टर टाली से दुर्घटना हुई, कई बार भी हुई, और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ है। सर, ट्रैक्टर टाली को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सही है कि जो इधर की घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये सब ट्रैक्टर का जो उपयोग यात्री ढोने में ज़्यादा हुआ है। पहले भी होता था, लेकिन इधर जो उत्सव जब आता है, कोई हम लोग के फेस्टिवल होता है, तो हमारे ग्रामीण इलाके के लोग इसको ज़्यादा उपयोग करते हैं। अभी जो भी घटनाएं हुई हैं, उसमें हमारी बहनें माताएं जो जैसे भी कल की जो घटनाएं हुई, बड़ी दुखद रहा, और जिसमें हमारी बच्चियां, हमारी जो माताएं बहनें, वो ज़्यादा उनकी मैंने संख्या थी। इसके पहले इटौजा में भी दुर्घटना हुई, उसमें भी ट्रैक्टर टाली से ही दुर्घटना। तो ये जब मुंडन कराना होता है या घर का कोई ऐसा कुछ कार्यक्रम होते हैं तो लोग जाते हैं, या कभी कभी अंत्येष्टि के लिए जाते हैं, उसमें एक तो पहले जो चालक होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं होते हैं। नशे की बात आ रही, नशे में था, और कल वाली घटना में तो नशा उसने किया, और जो ड्राइवर और जो कि सभी जो लोग बचे हुए हैं पैसेंजर, वो बता रहे हैं कि वो नशे में था, रुका गया, फिर भी नहीं माना, उसने ड्रिंक किया। और ये जो इसका उपयोग कृषि कार्य हेतु रहता है ट्रैक्टर का, या कोई व्यावसायिक उपयोग रहता है, लेकिन इस पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा संख्या में, जो इसकी क्षमता से कई गुना ज़्यादा, उस पर बैठ करके जाते हैं। परिवहन मंत्री हैं सर, ट्रैक्टर टाली, ये आरटीओ विभाग भी आपके अंडर में आता है, क्या इस पर बैन किया जाएगा? क्योंकि कई सारी इधर हाल बिल में घटनाएं जो हुई वो ट्रैक्टर टाली से, जो कि कृषि कार्य और व्यावसायिक उपयोग के लिए होता है, उसमें यात्री चल रहे हैं। नहीं, ये सही है कि मैंने इस पर हम लोग को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मैं बैन तो की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे इतना बताता हूं कि मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। और मैं पहले तो जागरूकता से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित हम लोग को किया है, पहले जागरूकता के माध्यम से वहाँ के गाँव के प्रधान और वहाँ के जो सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों के साथ पहले बात करके, जो हमारे पास सूची है हर गांव की कि इस गांव में कितने ट्रैक्टर्स हैं, पहले उनको हम उनको भी बुलाएंगे, मालिक को भी बुलाएंगे, ड्राइवर को भी बुलाएंगे, और उसके बाद उनसे अनुरोध करेंगे कि भाई ये किसी भी कीमत पर आपका इसका उपयोग जो है यात्री ढोने में न करिए, क्योंकि जान से बड़ा कुछ नहीं है, और इस पर हम कोई जो है समझौता नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी उनके पास नहीं है, भी बात सामने आ रही है। ये सही बात है, क्योंकि इस तरह की भी चीज़ें सामने आई हैं। अब हम इस पर सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। कोई भी बिना प्रशिक्षित चालक के ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा, और उसका उपयोग यात्री ढोने में उसको नहीं होगा, या तो कृषि कार्य हेतु होगा या व्यवसायिक उपयोग ही उसका किया जा सकता है, क्योंकि जान से कीमती और कुछ नहीं है। तो मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई सुबह, डीजीपी, जो प्रमुख सुग्रह हैं, आप भी थे, क्या निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दिया गया? मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे सख्त कदम उठाने के लिए हम लोग को निर्देश दिए हैं कि भाई आप जो है इसको रोकिए, आप लोग हर स्तर पर, पुलिस को भी लोग थे, हम लोग भी थे, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह किसी की जान चली जाए इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप लोग इसको कार्रवाई करिए। उन्होंने के उन्हीं के निर्देश पर हम लोग पहले जागरूकता उस पर लाएंगे, हर गांव में अपने होर्डिंग्स लगाएंगे, हम लोग जो है अपने गाड़ियों पर भी प्रचार प्रसार करेंगे, मैं सोशल मीडिया में भी प्रचार प्रसार करेंगे, वहाँ गांव के जो सम्मानित लोग हैं प्रधान सहित, उन लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई इनको मैंने इन लोगों को रोका जाए, और उसके बाद तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर और हमारे ब्लॉक स्तर पर भी इसके लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, सस्पेंड हुई है, क्या आप अपने विभाग के भी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं कानपुर या लखनऊ जहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं? देखिए, हमारे यहाँ भी बहुत कार्रवाई हुई है, हमने तो तीन अपने एआरटीओ तक को निलंबित किया, और नीचे के भी कई अधिकारी को मैंने निलंबित किया,
लेकिन अब मैं इस पर इस अभियान को हम चाहते हैं कि पहले लोगों के बीच में जा करके जागरूक करके और बृहद एक हम कार्यक्रम जो है रोड सेफ्टी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चलाएंगे।